इन चीजों की बनी बाम देगी त्वचा के हर रोग में आराम। दोस्तों ये जितनी भी चीजें हैं सभी की सभी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और एक 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 चीज को नोट करते चले जाइए, क्योंकि जो हमारी स्किन के अंदर जो रोग लगते हैं, जो कि आम रूटीन में जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, गृहणियां हैं, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान में डार्क सर्कल हो जाते हैं, यहाँ पे झाइयाँ पड़ जाती हैं, जो बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, लड़कियाँ कंप्यूटर के आगे पढ़ाइयाँ इतनी हो गई हैं जिस वजह से उनके डार्क सर्कल हो जाते हैं, कई बार पिंपल्स हो जाते हैं, जो कि जिसके अंदर हम कह देते हैं जो भी टीनेज में लड़की है या जिसको पीसीओडी की दिक्कत है, इस तरह की जितनी भी हार्मोनल इंबैलेंसमेंट जब होता है तो चेहरे पे फुंसियां निकल आ जाती हैं और उसके अंदर पस भर जाती है, और जब उनमें दोस्तों पस भरती है तो फिर क्या होता है वो चेहरे को भद्दा कर देती है, जिस वजह से जो नई नई उम्र की लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं वो क्या करते हैं उसको फोड़ते हैं, फोड़ने से क्या होता है दोस्तों उसमें से पस निकलती है, और जब पस निकलती है तो वहां पे वो एक काला निशान छोड़ देती है। आज दोस्तों वो काला निशान कैसे इस देसी बाम से दूर होगा आज हम उसी चीज को जानेंगे। और सबसे पहले जिन चीजों के अंदर जो ये चीजें डलेंगी, सबसे पहले दोस्तों ये देखिए ये जो पत्ता है आप समझ ही गए होंगे किस चीज का पत्ता है, क्योंकि जब स्किन का नाम आए और हमारी नीम को याद ना किया जाए तो ये तो एक ये कहेंगे कि भी अधूरा सा लगेगा। ये देखिए दोस्तों ये पत्ते के अंदर ये जो इसके ग्रूव्स बने हुए हैं, इस तरह का पत्ता होता है, डेक और नीम में फर्क होता है यही, डेक का पत्ता ऐसा नहीं होता, ये नीम का पत्ता ऐसा होता है। दोस्तों आप नीम का पत्ता ले लें, जिसको अजार्डिका इंडिका, अजार्डिका इंडिका इसका नाम है दोस्तों बोटेनिकल नेम, और इसी नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर दोस्तों रासायनिक तत्व इतने होते हैं कि भी ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल का काम करती है, जहां पे भी फोड़े फुंसी निकलाएं, घाव हो जाए तो उसको बहुत अच्छे से भर लेती है। और दोस्तों मैं इसके अंदर और भी सब द्रव्यों के बारे में डिटेल में सारा कुछ बताता रहूंगा साथ साथ में, और आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा किस तरह से हम अपने घर में ये देसी बाम तैयार कर सकते हैं, जिस और उसके बाद हम अपने चेहरे के ऊपर जो झाई है, गोरापन है और डार्क सर्कल है उसको हम ठीक कर सकते हैं और गोरेपन को हम ला सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा आता है एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इसके अंदर एक जो ये मटेरियल निकलता है चिकना चिकना पदार्थ, ये इसका लेस, ये दोस्तों क्या करता है, ये एक अलग ही तत्व इसका मतलब चिकनाहट का पैदा करता है, जो कि हमारे जो अगर हम बात करें जैसे कि आम रूटीन पे जो गृहणियां जो पार्लर वगैरह में जाती हैं उसके अंदर वो अपनी स्किन की मसाज कराती हैं, तो ये मसाजर का काम करता है, मसाज का, ये देखिए जो उनकी क्रीम्स होती हैं मसाज की, तो उसी में ही ये भी इस तरह का एक वो डलता है, इसके कांटे अलग कर लेते हैं और हम इसको दोस्तों इस डालते भी रहते हैं साथ में ताकि आपको पता भी लगता रहे। एलोवेरा दोस्तों अगर आप नीम के साथ मिलाकर अगर वैसे भी पी लेते हैं तो ये वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एलोवेरा में दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन सी का हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छा रोल होता है। कई लड़कियां मैंने देखी है जैसे हमारे सेंटर्स पे भी आती हैं, वो ये बोलते हैं जी हम विटामिन सी के कैप्सूल तोड़ के अपनी स्किन पे लगाते हैं, और दोस्तों अगर वो विटामिन सी के कैप्सूल की बजाय अगर इन्हीं को लगाना स्टार्ट कर दे एलोवेरा को, तो किसी उनको विटामिन सी को अलग से लेने की जरूरत नहीं। अब तीसरा द्रव्य हमारा दोस्तों क्या आता है, ये फलों का राजा इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सब्जी इस फल के बिना अधूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी का पार्ट है दोस्तों, ये हर सब्जी में डलता है, इसका नाम है आलू। आलू दोस्तों एक ऐसा बहुत ही ताकतवर और एक ऐसा फल है जिसके अंदर हम ये कहेंगे विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में है, और इसको दोस्तों अगर आप अपनी स्किन में अगर काट कर थोड़ा सा वैसे भी घिस लेते हैं इस तरह से, तो ये आपकी झाइयों को बड़ी जल्दी से साफ करता है, ये आपके कालापन आ जाता है अगर फेस के ऊपर हल्का हल्के हाथ से आप इसको घिसते रहेंगे तो ये आपके उसको बहुत अच्छे से इसको आराम देता है। तो आप भी दोस्तों इसको घर में जरूर ट्राई करें, क्योंकि आलू बहुत ही सस्ता और बहुत ही इजी अवेलेबल आइटम है, आपके घरों में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए मैंने अपनी वीडियो बनाते बनाते भी आपके आगे ये इसको दिखाया लगा के, ताकि आपको भी ये ना लगे कि नहीं ये तो कहीं हमारी स्किन को ना खराब कर दे। जहां स्किन की बात आती है दोस्तों वहां पे हर बंदा ये सोच लेता है कि पहले कोई दूसरा ही करके दिखा दे। तो अब देखिए इसमें आलू भी आपने क्या करना है, एक आलू भर आपने काट कर इसी बाम में डाल लेना है जो हम बाम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि बताया था आपको मैंने, आलू स्टार्च युक्त होता है और इसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में होते हैं दोस्तों, तो इसलिए हमने आलू भी इसमें डाल लेना है अपनी बाम में। अब चौथा हमारा जो तत्व है वो दोस्तों ये हल्दी। जहां घाव भरने की बात आए, जहां पे चमड़ी को चमकाने की बात आए, जहां पर
कोई भी फोड़े फुंसी की बात आए और हल्दी का नाम ना आए, ये तो बात हो ही नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि हल्दी जो होती है करक्यूमिन लोंगम, इसका नाम है करक्यूमिन लोंगम। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें करक्यूमिन नाम का जो रासायनिक तत्व है वो इतना बढ़िया है कि भी वो हमारे शरीर के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी एजिंग, ये हमारी दोस्तों जिन औरतों को झुर्री पड़ती है, जिन आदमियों को झुर्री पड़ती है, झुर्री को भी सही करता है। अगर मैं ये कहूं कि ये झुर्री नाशक है, झुर्रियों के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो स्किन को खिंचवाते हैं ब्यूटी पार्लरों पर जाके, अगर आप खाली हल्दी का भी एक इस तरह से वो लेकर अपनी स्किन के ऊपर हल्का सा पेस्ट, जैसे मैं थोड़ा सा पानी के साथ अगर इसका वो करूं, हल्का सा अगर दोस्तों अगर आप पेस्ट बना लेते हैं और इसको भी अगर आप लगा लेते हैं, और साथ में फिर वही हमारा जो आलू, आलू का साथ में आप साथ ले लेते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी स्किन को चमका सकते हैं, आपकी स्किन बड़ी इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों 40 की उम्र में भी अपनी तरफ से मेरी बढ़िया स्किन का कहूंगा मैं। और दोस्तों इससे आगे अगर हम चलें तो हमारा जो अगला तत्व आता है वो है कपूर। इस कपूर में क्या करना है दोस्तों, कपूर के अंदर देखिए सिनेमम कपूर इसका रासायनिक नाम है, सिनेमम कपूर। सिनेमम कपूर में दोस्तों क्या होता है, ये देखिए इसकी जो डली है, इस डली को आपने क्या करना है दोस्तों, आपने अपने कुंडी सोटे के अंदर डालते रहना है इसको, इसके सारे पीस ले लें। लेने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उखड़ से इसको हल्के हल्के कुट लगा देंगे, हल्के हल्के कुट लगाने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इस जो हमने कुट लगा दिए, कुट लगाने के बाद जो हमारा ये कपूर जिसको सिनेमम कपूर बोला जाता है, ये क्यों इफेक्टिव है दोस्तों, ये एंटी फंगल, जो कि बरसाती मौसम आजकल दोस्तों चल रहा है उसके अंदर जो हमारे फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, हमारी जो चमड़ी उतर रही है, खाल उतर रही है हाथों की पैरों की, उस चीजों में दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैंने डाली हैं, ये आज एक ऐसी बाम तैयार करके जाऊंगा मैं आपके बीच में, जो बाम आप एक मिनट, जो बाम अभी इसमें हल्दी और डालेंगे दोस्तों हम, क्योंकि जैसे बताया जाता है सब्जी बनाते हुए पहले सब्जी काट के डाला जाता है और बाद में हल्दी डाली जाती है, आपने क्या करना है दोस्तों, आधा चम्मच हल्दी इसके अंदर डाल लेना है इस तरह से। ये देखिए आपने ये डाल दी और फिर इसको थोड़ा सा चलाने के लिए दोस्तों इसमें क्या करें, आप हल्का सा पानी डाल दें ताकि इसमें हमारा एक पेस्ट तैयार हो जाए। और हमारे जो नीम के पत्ते हैं दोस्तों, इन नीम के पत्तों को भी हमने निकाल लेना है और इनके पत्ते पत्ते अगर हम डाल के इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं, थोड़े से इसमें पानी और हम डालेंगे और फिर इसको थोड़े पत्ते फिर डालेंगे। तो अब दोस्तों इसकी लिड को आपने बंद कर लेना है और अब जब हम मिक्सी को चलाते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमारा सब चीज ग्राइंड हो रहा है इसके अंदर धीरे धीरे सामान। ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया हमारा ये देखिए हमारा ये जो है इसके अंदर पानी अगर हम ना भी डालते तब भी काम चल जाता। वैसे अगर इसको देखिए ये हमारा एक लेस तैयार हो गया, इस लेस को दोस्तों हम इस लेस को दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर आप सुबह उठकर इसको इस तरह से आप लेकर, ये देखिए इसमें बहुत अच्छा क्रीमी टाइप का इसमें वो है और इसके अंदर हल्के हल्के से दाने भी हैं, जैसे कि मैंने ये देखा है स्क्रबर यूज करती हैं लेडियां, स्क्रबर अगर आप इसको लेकर इसको एज ए स्क्रबर यूज करते हैं, देखिए इस तरह से आप इस तरह से लेके इसको एज ए स्क्रबर यूज करिए। और आप लोगों को इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को 1% भी ये ना लगे कि नहीं कहीं स्किन में रिएक्शन ना हो जाए, कहीं कोई और कोई दिक्कत ना आ जाए। ये देखिए ये आप इस तरह से एज ए स्क्रबर इसको यूज कर सकते हैं, ये देखिए ये एज ए स्क्रबर आप इसको यूज करिए, हल्का 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 आप अगर करते रहेंगे तो मैं बताता हूं दोस्तों। और इसमें बहुत ही बढ़िया मैं कह रहा हूं, मेरे को फीलिंग आ रही है, अंदर से ठंडक महसूस हो रही है। और दूसरा अगर इसको लगाकर थोड़ी देर तक के लिए कोई आदमी बैठ जाता है तो बैठने के बाद दोस्तों और उसके बाद अपने फेस को साफ कर लेता है तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके शरीर पर छोड़ता है और आपके स्किन को गोरा बनाता है। जो फोड़े फिंसी हो रही है उन फोड़े फिंसी को खत्म करता है, पिंपल्स को ठीक करता है, झाइयां जो हो जाती हैं उनको ठीक करता है और साथ में हमारा जो डार्क सर्कल है इनको दूर करता है। और दोस्तों इस वीडियो के अंत तक मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो भी गृहणियां जिनके झाइयां हैं वो गुड़ और चना
गुड़ और चना, जो संतोषी माता के व्रत का प्रसाद बोला जाता है, गुड़ और चना, अगर वो हर रोज एक मुट्ठी भर चने के साथ में गुड़ खा लेती है 100 ग्राम, तो उनको कभी भी झाई नहीं होंगी। ये मैं लिख के दे सकता हूं। और साथ में आप जो मैंने ये पेस्ट और ये बाम दिखाया है, ये अगर ले ले साथ में दोस्तों, मैं आपको एक अपना यहां पे बोर्ड पे एक अपना दिखाना चाहूंगा। ये हमारा सेंटर है करनाल के अंदर, आप इसका एड्रेस नोट कर लें, कभी भी किसी भाई बहन को कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप इस पे आ सकता है। धन्यवाद।